FAAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जब भी एयरपोर्ट जाते होंगे तो आपने एक ब्लू कलर का एक स्टैंड तो देखा होगा जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिखा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आप उससे जुड़े यानी कि आप उसका पार्ट बने तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि AAI ने कई पदों पर भर्ती निकाली है, ग्रेजुएट्स को मौका मिलने वाला है। लेकिन कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे, कब अप्लाई कर पाएंगे और योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाली हूँ। सो आपको क्या करना होगा, वीडियो एंड तक देखना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे बीच में ना छूटे। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टिकट। सरकारी नौकरी के इस सेगमेंट में आज बहुत ही स्पेशल भर्ती के बारे में बात होगी, यानी कि AAI में असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के बारे में, यानी कि जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन ग्रेड जैसे कई पदों पर AAI भर्ती करने वाला है। इस भर्ती के जरिए 342 पदों को भरा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस भर्ती का हिस्सा बने यानी कि AAI से जुड़े, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि AAI.AERO पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि बार बार मैं AAI क्यों कह रही हूँ, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आप वीडियो बीच में से भी देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में होने वाली भर्ती के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। सो एप्लीकेशन का प्रोसेस 5 अगस्त से शुरू हो गया है। आपके पास 4 सितंबर तक का टाइम है, यानी कि आप 4 सितंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सो ये बात तो हुई जरूरी तारीखों के बारे में। अब आपको बताते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन का होना बेहद जरूरी है। सो देखिए, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, तो मेक श्योर कि आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो। वहीं अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर करिए कि आपके पास BCOM की डिग्री होनी चाहिए। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन ग्रेड पदों पर अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहीं अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास BCOM की डिग्री होनी चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लॉ की प्रोफेशनल डिग्री होना बेहद जरूरी है। सो ये बात तो है योग्यता की। अब आपको बताते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो याद रखिए, असिस्टेंट पदों पर अप्लाई करने की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। वहीं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है। अब ये तो बात हुई कि योग्यता और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी देनी है। तो देखिए, जनरल और OBC कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको 1000 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप SC ST या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी। बस आपसे जो डिटेल मांगी गई है आपको लिखना है और उसे सबमिट कर देना है। सो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म तो कंप्लीट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सो देखिए, सिलेक्ट होने के लिए इन पोस्ट पर आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट देना होगा। उसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। उसके बाद बारी आती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की। उसके बाद बारी आती है वॉइस टेस्टिंग की। एंड लास्ट में बारी आती है साइको एक्टिव सब्सटेंस की। सो ये तो बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब मेन टॉपिक पर बात कर लेते हैं, यानी कि सिलेक्शन के बाद मिलने वाली सैलरी के बारे में। सो देखिए, जो AAI में एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट पदों पर भर्ती होने वाली है उसके लिए पर मंथ 92,000 से लेकर 1,40,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि हर पद के लिए जो सैलरी है वो अलग अलग है, लेकिन ये एवरेज सैलरी है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक एम्प्लॉय को जो भी पर्क्स मिलते हैं सैलरी के साथ साथ आपको वो पर्क्स भी मिलेंगे। सो अगर आप लंबे समय से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ना चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि आपको भी इसका हिस्सा बनना है, तो आप इस भर्ती के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। आपको नहीं पता कि क्या पता आपका ही सिलेक्शन हो जाए। सो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड सवाल है या फिर आपको लगता है कि कोई डिटेल यहाँ पर मिसिंग है या फिर कुछ और आप जानना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली कमेंट बॉक्स में आकर एक कमेंट करना होगा, हम उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। सो सरकारी नौकरी के सेगमेंट में
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नई भर्ती के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।